हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव बॉडी मोमेंट्स इसको रीड करेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे साथ ही के साथ। जैसे हम हर वीडियो में बनाते हैं, वैसे हम इस चैप्टर के भी नोट्स बनाएंगे। और जैसे ही हम पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, तो हम लास्ट में इसकी समरी पढ़ने के बाद, समरी को रीड करने के बाद, हम इसकी एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे हम हर वीडियो में एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करते हैं, वैसे इस एक्सरसाइजेस के भी सॉल्यूशंस अपने नोट्स में लास्ट में लिखेंगे। और ये जितने भी नोट्स बनेंगे, वैसे उतने वो वैसे बनते ही मैं सारे के सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग में एकदम जाके। और स्टार्टिंग में जो हमारे पास चैप्टर फाइव है, बॉडी मोमेंट्स, मतलब जो शरीर में, जो हमारे शरीर में जो मूवमेंट्स होती हैं, जिसके हम हाथ हिलाते हैं, पांव हिलाते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, या किसी बॉडी चीज़ को पकड़ते हैं, उन सारे चीज़ों को हम कहते हैं बॉडी मूवमेंट्स, कि हमारे बॉडी में क्या क्या मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सिट सिट एब्सोल्यूटली स्टिल। अब कह रहा है कि एकदम जहाँ आप बैठे हुए हो वहाँ पर एकदम शांति से, मतलब बिना हिले डुले एकदम बैठ जाओ। ऑब्जर्व द मोमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और जो मोमेंट्स बॉडी में हो रहे हैं उन पर ध्यान दो। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज, तो अगर आप सीधे बैठे भी हुए हो फिर भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे, जैसे कि अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहे होगे। और जैसे 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 कभी आपने टाइम टू टाइम धीरे धीरे आइज़ ब्लिंकिंग चली रही होती है, मतलब आँखें पलक झपक की जो होती है बार बार। ऑब्जर्व द मोमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। अब जैसे कि आप सांस लेते हो तो जो बॉडी में मूवमेंट्स चल रही हैं, बॉडी में जो भी हमारी हरकतें चल रही हैं उन पे ध्यान देना है। तो देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी, तो बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही होंगी हमारी बॉडी में। जैसे कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, हम सांस ले रहे होते हैं तो लगातार फिर भी हमारी हार्ट बीट क्या होती है, चल रही होती है। ठीक है, हम ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तो हमारे, जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट में क्या होता है, हमारे लंग्स फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं। तो ऐसे मूवमेंट्स हमारे साथ एकदम सीधे हम बैठे रहते हैं तभी भी चल रहे होते हैं, ये सब क्या हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, जब आप लिख रहे होते हो एक नोटबुक में तो आप बॉडी के कौन से पार्ट को मूव कर रहे होते हो? ऑब्वियसली या तो फिंगर्स को और थोड़ा थोड़ा हैंड्स को आप मूव कर रहे होते हो। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप घूमते हो और अपने दोस्त की तरफ देखते हो, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। जब आप अपने घूम के अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हो तो अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स वो मूव करते हैं, जबकि क्या कर रहे हो, आप एक ही जगह पे खड़े रहते हो, मतलब आप एक ही जगह पे रहते हो लेकिन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मूव होते हैं, जैसे आपकी नेक घूमती है, आपकी आइज़ रोटेट होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स हैं सब भी। ठीक है, You also move from one place to another. आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। You got up and go to your teacher or go to school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and move from one place to another. तो हम ये चीज़ें करते हैं, जैसे कि हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, स्किप करते हैं, मतलब कूदते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, स्किप करना, जंप करना, कूदना, एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, और हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं, हिलते रहते हैं। ठीक है, लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग टेबल 5.1। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड पेरेंट्स, आगे बढ़ते हैं, भूजो का नहीं पढ़ेंगे, भूजो क्या जानना चाह रहा है आगे पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मोमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। कह रहा है कि अब कुछ बॉडी मोमेंट्स जो हमारा शरीर कर सकता है उसको ट्राई करने के लिए कह रहा है। Ball and imaginary ball at an imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder in a circular movement? Did your shoulder also move? Lie down and rotate your leg at the hip. Bend your arm at the elbow and the leg at the knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers. Which part of your arm did you bend? Straighten your arm and try to bend it downwards.
आर यू एबल टू डू इट, तो ये अलग अलग हमें क्या कर रहा है, अलग अलग हमें एक्टिविटीज़ करने के लिए कह रहा है। जैसे कि जब हम बॉलिंग करते हैं, मतलब क्रिकेट में जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा आर्म जो है वो एक पूरा राउंड घूम रहा होता है, ठीक है, तो एकदम सर्कुलर मूवमेंट में, एकदम सर्कल में हम अपने आर्म को राउंड करते हैं। उसके साथ साथ जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम एक्सरसाइज में भी ये देख सकते हैं कि जो हम हैंड को कभी साइडवेज ले जाते हैं और फिर दूसरी साइड ले जाते हैं, ऐसे हम अपने बॉडी को पूरा मूव कर सकते हैं। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमारे लेग्स मूव कर रहे होते हैं, जब हम स्क्वाट्स लगा रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी को नीचे ले जाते हैं, नीज को फोल्ड करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर उठते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में हमारी जो बॉडी होती है वो लगातार कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, तो मूवमेंट कर रही होती है। इसमें कह रहा है कि ट्राई टू मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मोमेंट्स। इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है। व्हाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी इजली इन वेरियस डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, व्हाई आर वी एबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, व्हाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट को ज़्यादा मोड़ सकते हैं, किसी पार्ट को कम मोड़ सकते हैं, ठीक है, और किसी किसी पार्ट को हम बिल्कुल भी मोड़ नहीं सकते, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब वो जॉइंट्स हमें अलाव करते हैं कि हम कितना एक्सटेंट बॉडी को उस पार्ट को कितने एक्सटेंट पर मोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारी नेक है उसमें जॉइंट्स लगे हुए हैं, बोन्स हैं ऐसी कि हम एकदम राउंड ले जाके पीछे नहीं मोड़ सकते, तो ये 180 डिग्री ही लगभग अलाउ करता है मूवमेंट के लिए, पूरा हम नहीं रोटेट कर सकते, ठीक है। ऐसे ही ये सब जॉइंट्स के कारण होता है। अब आगे करते हैं, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, ये समझा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together, like elbow, shoulder, neck? कह रहा है कि ये क्या है, ये कह रहा है कि आपने ये नोटिस किया कि हम अपने केवल उन्हीं बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बॉडी पार्ट आपस में जुड़ रखे हों, ठीक है, तो और उसी को हम जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं, डिड यू नोटिस, कि आपने नोटिस किया दैट वी आर एबल टू बेंड, कि हम मोड़ सकते हैं किसको, और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस, अपने बॉडी के उन जगहों को वेयर टू पार्ट्स ऑफ बॉडी सीम टू बी जॉइंट, जहाँ पे दो पार्ट बॉडी के जॉइन हो रखे हैं, जैसे कि एल्बो में, शोल्डर में और नेक में, यहाँ पे हमारे बॉडी के दो पार्ट्स जॉइन हो रखे हैं, ठीक है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ऐसे नेक में हमारा हेड और नीचे चेस्ट, ये सब जॉइन हो रखा है, तो हम इस बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जहाँ भी मोमेंट पॉसिबल होगी वहाँ पे जॉइंट्स ज़रूर होंगे, तो इसी को कहते हैं हम जॉइंट्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स, क्या आप और ऐसे जॉइंट्स बता सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारे बॉडी के पास कोई जॉइंट नहीं होंगे, तो डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, तो क्या आप लगता है अगर हमारी बॉडी में जॉइंट नहीं होंगे तो हम क्या मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम इसलिए नहीं मूव कर सकते क्योंकि अगर हम चलते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि हमारी बॉडी बेंड हो, ठीक है, हमारे बॉडी के पार्ट्स बेंड हों, और अगर बेंड तभी होंगे जब वहाँ पर जॉइंट्स होंगे, और जॉइंट्स ही नहीं होंगे तो बेंड ही नहीं होगा, और जब कुछ बेंड ही नहीं होगा तो बॉडी हमारी एकदम मूव नहीं करेगी, एकदम सीधा, मतलब एक पुतले की तरह पड़ी रहेगी बस, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, तो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं कि क्या जॉइन हो रहा है। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, कह रहा है कि अपने फिंगर को प्रेस करो अपने सर के ऊपर, फेस पे, नेक पे, नोज पे, ईयर पे, शोल्डर पे, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। Do you get feel of something hard pressing against your fingers? तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ हार्ड प्रेस हो रहा है? द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स, और वो जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो बोन्स हैं। जैसे आप अपने फिंगर्स को ले जा करके प्रेस करोगे अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, तो आपको लगेगा कि मेरी फिंगर किसी हार्ड चीज़ को प्रेस कर रही है, वो हार्ड चीज़ बोन्स है, ठीक है।
रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स। तो कह रहा है कि ऐसे हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी बोन्स हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स। क्या आपको, क्या कहते हैं, आपको कोई फीलिंग आई कि कुछ हार्ड प्रेस हो रहा है आपके फिंगर्स पे। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर बोन्स। अच्छा ये हो गया, बोन्स कैन नॉट बी बेंट। बोन्स क्या होते हैं, वो मुड़ नहीं सकती, जो हमारी हड्डियाँ हैं वो नहीं मुड़ सकती। तो फिर क्या, तो फिर कैसे होगा पॉसिबल मूवमेंट जॉइंट से। दो बोन्स आपस में जॉइन हो रखी होंगी, ठीक है, और इसी जॉइंट के कारण हम हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल होगी। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अदर आर्म टू आवर रिस्ट। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी तरह कह रहा है कि बहुत सारे जॉइंट्स हैं, बहुत सारे बोन्स हैं हमारी बॉडी में। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो हम केवल उसी पार्ट को मूव कर पाते हैं, मतलब हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को बॉडी में मूव कर पाते हैं। वी कैन मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट। अपनी बॉडी को हम केवल उन्हीं पॉइंट्स पर मूव कर सकते हैं जहाँ पे बॉडी के जो बोन्स हैं वो मीट हो रही होंगी, मतलब जहाँ पे जॉइंट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वट आर जॉइंट्स, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स के बारे में लिखेंगे। द पॉइंट्स इन आवर बॉडी वेयर टू और मोर वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड टुगेदर आर कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ हमारी कनेक्ट हो रखी होती हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को हम जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जॉइंट्स कहाँ पे हैं, एल्बो में हैं, नेक में हैं, ठीक है, ऐसे फिंगर्स में हैं, एग्जाम्पल आएगा ईजी एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट रीड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, तो जॉइंट्स के अब तरीके आ गए, मतलब जॉइंट्स के टाइप्स आ गए, कितने कितने तरीके के जॉइंट्स हैं। तो पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। कह रहे रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक पेपर को लेना है और उसे क्या बना देना है, एक सिलेंडर बना देना है ऐसे फोल्ड करके। हमारे पास पेपर ऐसे स्क्वायर की शेप में होता है ना, तो अगर हम इसको साइडवेज रोल करेंगे, घुमा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो उसने कहा है रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, एक पेपर से सिलेंडर बना दो। मेक अ स्मॉल होल इन एन, अरे क्या हो गया, हाँ, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर। एक छोटा सा होल बनाना है एक रबर में या प्लास्टिक बॉल में। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इन टू इट, और क्या कहते हैं, एंड पुश द पेपर सिलेंडर, और जो पेपर का सिलेंडर बनाया है उसे इसमें डाल देना है, जैसे फिगर 5.2 में दे रखा है। तो अगर आप फिगर 5.2 देखोगे तो देखिए ये क्या है हमारे पास, ये जो नीचे बना हुआ है ये है हमारे पास पेपर का सिलेंडर, और ऊपर वाली क्या है, बॉल है। अब इस बॉल में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे होल बना लिया है इतना बड़ा, तो इसी होल में हमने क्या किया है, पेपर को डाल दिया है, ठीक है, बॉल में। अब क्या कह रहा है, पुट द स्मॉल बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब एक ऊपर से बाउल लेना है, बाउल होता है वो कटोरी टाइप का जो होता है। अब इसमें बॉल को, बॉल में हमने डाला सिलेंडर, और इस पूरे को किस में डाल दिया, बाउल में डाल दिया, मतलब एक बर्तन से में डाल दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कह रहा है डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। तो कह रहा है कि
ये बॉल है, क्या ये बाउल के अंदर फ्रीली रोटेट कर रही है? ऑब्वियसली करेगी ही, ठीक है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? तो क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इन योर आर्म एंड द बॉल, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। अब आप ये इमेजिन करोगे कि जो पेपर सिलेंडर है वो क्या है? आपका आर्म है, ठीक है। एंड बॉल इज इट्स एंड, और ये जो बॉल है वो इस पेपर सिलेंडर का एंड है, ठीक है। द बॉल बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर, और शोल्डर ये क्या है? ये क्या है आपका? वो है जो ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका वो वाला पार्ट है, शोल्डर का पार्ट है, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्म, ये रहा उसका एंड वाला पार्ट, और ये कहाँ पे फिट हो रखा है? शोल्डर में, ठीक है। तो कह रहा है द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ योर शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंड, द राउंडेड एंड ऑफ द ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी हॉलो स्पेस। जो राउंडेड एंड होता है बोन का, जैसे कि ये वाला पार्ट, ये किस में फिट हो रखा है? कैविटी में, मतलब खाली स्पेस में। अब जैसे बॉल है, बॉल के अंदर खाली स्पेस है ना, तो इसमें जा कर के बॉल को हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है ना। सच अ जॉइंट अलाउज मोमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, और इस तरह के जो जॉइंट होते हैं ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं हम अपने हाथ को ना, अपने ये वाले आर्म को, वो हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरीके का होता है कि हमारा जो बोन होता है वो एक कैविटी में जा करके, मतलब एक खाली स्पेस में जा करके फिट हो जाता है, ठीक है। सच अ जॉइंट, हाँ, कैन यू मेक अनदर, कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट्स, कैन यू थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मोमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरीके का है, कह रहा है कि हमारे पास ये हमारा जो हिप बोन है, ठीक है, हिप बोन में जो हमारे पास जो थाई की बोन होती है, लेग वाली जो थाई होती है हमारी, वो बोन ऐसे जा करके जॉइंट हो जाती है खाली स्पेस में, ठीक है, जैसे यहाँ पे जॉइन हो रखी है। तो हमारे पास पहला जॉइंट कौन सा था? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसको हम लिख लेते हैं। पहला क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, दीज आर, ये कहें कि इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट, एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट है इन विच, जिसमें क्या होता है, इन विच अ बोन फिट होती है इनटू अ कैविटी, एक कैविटी में जाकर के बोन फिट हो जाती है, ठीक है। और कैविटी या फिर हम किस इसे क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम हॉलो स्पेस, एक खाली स्पेस में, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में, कि पाइवोटल जॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर हिंज जॉइंट आएगा हमारा, अभी देखते हैं पाइवोटल जॉइंट को। ओके सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया था, एक सेकंड, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब पाइवेटल जॉइंट है, द जॉइंट वेयर और नेक जॉइंस द हेड इज पाइवेटल जॉइंट। कह रहा है कि वो जॉइंट जो है जहाँ पे हमारी जो नेक जॉइन हो रखी होती है हमारे हेड से, उस जॉइंट को क्या कहते हैं हम? पाइवेटल जॉइंट कहते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये हमारी है नेक, ठीक है, और नेक के अंदर यहाँ पे ये रहा हमारा ऊपर हेड, और ये जॉइन हो रखा है हमारा, क्या कहते हैं इसे, ये है पाइवेटल जॉइंट, यहाँ जॉइन कर रखा है। अगर इसे जूम करके दिखाऊँ मैं आपको तो ऐसा दिखेगा, देखिए थोड़ा और, हाँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं आप। ये जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये है हमारा हेड, नीचे वाला पार्ट है हमारा नेक, और देखिए ये यहाँ पे जॉइन हो रखा है, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? पाइवेटल जॉइंट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जॉइन कर रखा है इसे, इस वाले पार्ट को हम पाइवेटल जॉइंट कहते हैं, ठीक है। वापस से रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
इट अलाउज टू बेंड अवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इससे क्या होता है, ये हमारे ये जो पाइवेटल जॉइंट है ये अलाउ करता है हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट, और हेड को कहाँ राइट और लेफ्ट में मूव करने में भी मदद करता है। ट्राई दीज मोमेंट्स, हाउ आर दीज मोमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट कम्प्लीटली इन सर्कल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन अ पाइवेटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। पाइवेटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है वो एक रिंग की उसमें रोटेट कर रही होती है, रिंग रिंग की तरह रोटेट कर रही होती है, एक रिंग है उसमें रोटेट कर रही होगी। ठीक है, पाइवेटल जॉइंट में क्या होता है, अ सिलेंड्रिकल बोन, एक सिलेंड्रिकल बोन होगी यहाँ पे, वो एक रिंग की शेप में रोटेट कर रही होगी। ठीक है ना, तो एक बार पाइवेटल जॉइंट को लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम पाइवेटल जॉइंट। पाइवेटल जॉइंट क्या होते हैं, इसमें यहाँ पे दे रखा है, द जॉइंट वेयर और नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवेटल जॉइंट। और फिर इसके बाद हम एक चीज़ और लिखेंगे कि एक पाइवेटल जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है वो कि एक रिंग की शेप में रोटेट कर रही होती है। चलो ठीक है, इसको सही से इंडेंट कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट आते हैं, अगला है, अभी हमने क्या पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, पाइवेटल जॉइंट पढ़ा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो होते हैं जिसमें एक बोन एक कैविटी में फिट हो रखी होती है। पाइवेटल जॉइंट वो होते हैं जो कि जिससे हमारी जो नेक है वो हमारी नेक जो है हमारे हेड से कनेक्ट हो रखी होती है एक जॉइंट से, वो रिंग की शेप में होती है, तो वो उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, पाइवेटल जॉइंट कहते हैं। एक रिंग की शेप में मूव करी होती है ये बोन, तो ये होती है पाइवेटल जॉइंट। होती कौन सी है, सिलेंडर का शेप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हिंज जॉइंट क्या होते हैं। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, एक डोर को ओपन करो फिर बंद करो एक एक दो बार करके देखो। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, और जो हिंजेस होते हैं वो उनके उनको नोटिस करो। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ, और वो अलाउ करते हैं डोर को आगे और पीछे मूव करने में। हिंजेस होते हैं उसमें, जैसे कि जिन्हें हम वो कहते हैं एक होता नहीं है हमारे पास कब्जे जो होते हैं गेट के, उन्हें कहते हैं ये, जिससे जो होता है ना वो गेट को पकड़ के रखता है, वो जो गेट का फ्रेम होता है और गेट होता है आपस में जुड़े होते हैं एक हिंज से, उसे कब्जा कहते हैं। तो वो ना उसी की बात कर रही है कि उसको बंद करके क्लोज करके देखोगे तो आपको दिखेगी उसकी मूवमेंट कैसी है। आगे कह रहा है एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। कह रहा है कि हम देखते हैं एक हिंज कैसी मूवमेंट अलाउ करता है। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। कह रहा है कि एक चार्ट पेपर से या कार्डबोर्ड से एक सिलेंडर बना लो, जैसे कि ये दिखा रखा है। ठीक है, अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर, एक छोटी सी पेंसिल अटैच करनी है हमें सिलेंडर में बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। सेंटर में हमें सिलेंडर को फाड़ लेना है और वहाँ पे एक पेंसिल को अटैच कर देना है। मेक अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से, सच दैट रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड। अब एक हॉलो सिलेंडर बना लेना है हमें, मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर, एक हॉलो हाफ सिलेंडर बनाना है हमें कार्डबोर्ड से, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजली। और इस तरीके से बनाना है ताकि जो रोल्ड अप मुड़ा हुआ सिलेंडर है वो इसमें आसानी से फिट हो जाए। ठीक है, द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर, द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज। और ये जब हम फिट कर देंगे, जो हॉलो हाफ सिलेंडर है उसको किस में फिट कर दिया हमने, विद द रोल्ड अप सिलेंडर, जो हॉलो हाफ सिलेंडर है रोल्ड हाफ सिलेंडर की तरह, देखिए नीचे वाला जो सिलेंडर है वो हॉलो हाफ सिलेंडर है। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद अ रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट,
देखिए ये नीचे वाला जो सिलेंडर है इसमें वो है हॉलो हाफ सिलेंडर, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ एक सिलेंडर है हाफ सिलेंडर, ये येलो कलर का, ये है हॉलो हाफ सिलेंडर। रोल्ड अप सिलेंडर हमने इसके अंदर ऐसे फिट किया हुआ है, ठीक है। ये रहा, इसमें पेंसिल्स लगा रखी हैं, पेंसिल लगा रखी है, और फिर यहाँ पे ये रोल्ड अप सिलेंडर है और इसके नीचे एक हॉलो हाफ सिलेंडर है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद बोल रहा है ये ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, और जो रोल्ड अप सिलेंडर ऊपर वाला है उसको मूव करने की कोशिश करो। हाउ डज इट मूव, ये मूव कैसे करेगा। हाउ इज़ दिस सिलेंडर डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विद द कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वी सॉ दिस काइंड ऑफ, मिटा के पढ़ते हैं, वी सॉ दिस काइंड ऑफ मोमेंट एट वी सॉ दिस काइंड ऑफ मोमेंट एट द एल्बो इन कैविटी। ये एक्टिविटी वन। वट वी कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 5.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज जॉइंट ऑफ कोर्स, बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मोमेंट। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट, एल्बो के पास क्या होता है, एक हिंज जॉइंट होता है दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मोमेंट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट्स। देखिए हिंज जॉइंट बेसिकली क्या होता है, हिंज जॉइंट जो होता है आपके पास क्या है, ये वाली एक बोन है, ठीक है, और इस बोन के अंदर यहाँ पे ये वाले बोन है, इसका जो ये वाला कर्वी पार्ट है देख सकते हैं आप, ये देखिए ये है नीचे वाली बोन, इसमें इसका जो कर्वी पार्ट है ये वाला, ये आके यहाँ पे फिट हो गया है। जैसे कि हमारा ये सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, ये देखिए ये नीचे है हमारे पास एक वो हाफ सिलेंडर, इसके अंदर ये कर्वी वाला जो सिलेंडर आके फिट हो गया है। सिमिलरली ये है, देखिए नीचे जैसे कि हाफ सिलेंडर का शेप है वैसे इसका भी शेप है, इस बोन का ऊपर से ये यह है यहाँ पे, और इसमें ये ऊपर वाला कर्वी पार्ट आके फिट हो गया। तो इसकी मोमेंट ऐसे ही होगी, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरह के जॉइंट्स को जो कि बैक एंड फोर्थ मोमेंट प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मोमेंट। एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, द जॉइंट्स वो जॉइंट्स दैट अलाउ ओनली, जो कि केवल अलाउ करते हैं बैक एंड फोर्थ मोमेंट को, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स। सिंपल है, अभी नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। फिक्स जॉइंट क्या होते हैं, सम जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। कहते ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे हमारे बोन्स मूव नहीं करते उनको हम कहते हैं फिक्स जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट्स, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार। हमारे बोन्स, हमारे जो हेड है उसके अंदर कुछ बोन्स होती हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया, उन बोन्स अलग हैं। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, ऐसे जो बोन्स होती हैं इन जॉइंट्स पे मूव नहीं करती। तो क्या कह रहे हैं, सम जॉइंट्स, कुछ जॉइंट्स होते हैं बोन्स के बीच में, हमारे हेड में कुछ बोन्स हैं, उनके बीच में जॉइंट्स हैं, वो उन जॉइंट्स से डिफरेंट हैं जो जॉइंट्स हमें पीछे पड़े हैं, जैसे कि हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन जॉइंट से डिफरेंट है। अब ये जो जॉइंट्स हैं जो हमारे हेड में हैं ये फिक्स जॉइंट्स हैं, ठीक है। द बोन्स कैन नॉट मूव, तो ये इन जॉइंट्स में जो बोन्स होती हैं वो मूव नहीं कर सकती, ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स जॉइंट्स, ठीक है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। कहते हैं कि जब अपने मुंह को आप बहुत बड़ा खोलोगे तो उसमें क्या होता है कि आप जो नीचे वाला जॉ है, नीचे वाला जो जबड़ा है उसको अपने हेड से नीचे की तरफ काफ़ी दूर ले जा सकते हैं। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट। और जब आपने अपना जॉ अपना मुंह खोल रखा है और आपका जो निचला वाला जॉ है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो आप अब क्या इस पोजीशन में अपना अपर जॉ मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते। देयर इज़ अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स जॉइंट। तो अपर जॉ के बीच में, अपर जॉ
और ऊपर का जो हेड है उसके बीच में एक जॉइंट लगा हुआ है जो कि है फिक्स जॉइंट, और इसी फिक्स जॉइंट के कारण हम जो अपर जो है अपना वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं फिक्स जॉइंट क्या होता है। फिक्स्ड जॉइंट्स, जॉइंट्स विच डू नॉट अलाउ द बोन्स टू मूव, द बोन्स टू मूव आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। आगे रीड करते हैं। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कैन नॉट दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब क्या कह रहा है कि हमने केवल जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को शेप कैसे मिल रहा है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर शेप में है, उसे वो शेप कैसे मिलता है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। वट वट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल, वट विल यू मेक फर्स्ट। अगर आप एक डॉल बनाना चाहोगे तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे। परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप एक फ्रेमवर्क बनाना चाहोगे, एक हमारे पास एक हम एक ढांचा बना लेंगे कि हमारी डॉल किस तरीके से दिखेगी, या एक रफ स्केच बना लेंगे कि हमारी डॉल किस तरह से दिखेगी। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेम वर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। कह रहे कि ऑल द बोन, हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं वो एक फ्रेमवर्क मिलकर बना लेती हैं जिससे बॉडी को क्या मिलता है, शेप मिलता है। तो ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ शेप फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव द शेप टू आवर बॉडी। कह रहे द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, और इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव आवर बॉडी अ डेफिनेट शेप एंड दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। तो हमारे पास क्या होता है, हमारी जितनी भी बॉडी में वो हैं हड्डियां हैं, जितनी भी बोन्स हैं, वो सारे मिलके एक फ्रेमवर्क बना लेंगी जिससे हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप मिल जाएगा, और इसी शेप को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। ये हमें कैसे पता लगेगा कि ह्यूमन स्केलेटन का शेप है, शेप है। हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, और हम अलग अलग बॉडी के शेप्स को कैसे पता करेंगे। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स का शेप बता सकते हैं, कुछ पार्ट का हम बता सकते हैं कि इनमें कितनी बोन्स हैं, जेंटली फील करके बस। ठीक है, वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी द लुक एट एक्सरे इमेजेस। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है उसका एक्सरे निकाल सकते हैं और उससे हमें क्लियरली पता लग जाएगा। जैसे देखिए एंकल का एक्सरे निकाला है, तो इसमें हमें कितनी क्लियरली पता लग जाएगा कि अच्छा इस बॉडी पार्ट का ऐसा शेप है, और ठीक है इसमें इतनी इतनी बोन्स लगी हुई हैं, जैसे एक बोन दो बोन, इसमें एक बोन दो बोन तीन बोन, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। तो ये हम ऐसे एक्सरे के थ्रू भी पता कर सकते हैं। ठीक है, डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी टेकन। समटाइम्स वैन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट
डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माई हैव हैपन टू द बोन्स। कह रहा है कि जब भी कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या कहता है, डॉक्टर कहता है उसे कि आप अपने उस बॉडी पार्ट का एक्सरे निकाल के ले आओ। और फिर जब एक्सरे निकलवा के ले आता है वो इंसान, तब डॉक्टर उसे देख के बता सकता है कि कहीं कोई इंजरी तो नहीं आई है उस बॉडी पार्ट में। द एक्सरे शोज द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी। तो एक्सरे क्या दिखाता है, शेप दिखाता है हमारी बोन्स का जो हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसको भी हम नोट बना लेंगे, एक्सरे नेक्स्ट पढ़ते हैं। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, जो आपका फोर आर्म है उसमें आपको बोन्स को फील करना है, अपर आर्म में, लोअर लेग में, अपर लेग में। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स ऑन ईच पार्ट, और इसको गेस करने की कोशिश करनी है कि कितने बोन्स हैं। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स, कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेंड योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को बेंड करो, मोड़ो। आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप हर जॉइंट पे, अपने फिंगर के हर जॉइंट पे उसे बेंड कर सकते हो। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, और आपकी जो मिडल फिंगर है उस पर कितनी बोन्स हैं, क्या ये आप गैस कर सकते हो। तो आप इसे टच करके भी गैस कर सकते हैं। ठीक है, फील द बैक ऑफ योर पाम, आपका जो पाम है, हाथ हथेली, उसका जो बैक पार्ट है उसको फील करो। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट, ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी बोन्स हैं, है ना। इज़ योर रिस्ट फ्लैक्सीबल, क्या आपकी जो रिस्ट है वो फ्लैक्सीबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, तो जो आपकी रिस्ट है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से बनी होती है, उसको क्या कहते हैं, कार्पल्स में। वट विल हैपन इफ़ इट हैज़ ओनली वन बोन, तब क्या होता है जब आपकी केवल एक बोन होती, तो हमारी जो रिस्ट है वो आसानी से मूव नहीं कर रही होती, ये कहने का मतलब है। ठीक है, रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स विच मेक्स द रिस्ट फ्लेक्सीबल। तो कार ये लिख लेते हैं, कार्पल्स। द रिस्ट इज मेड अप ऑफ several small bones, which called carpals help in making the wrist, the rest flexible. Okay. Next आते हैं, what will happen if it has only one bone? तो क्या होता है अगर एक bone हो जाए, तो flexible नहीं होती। Activity 4 क्या है, Activity 4 है, take a deep breath and hold it. एक लंबी सांस लो और इसे रोको, for a little while, थोड़ी देर के लिए। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाई जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। आप कह रहे हैं कि अपनी जो हमारी जो चेस्ट की बोन्स है और जो बैक की बोन है उसको फील करने की कोशिश करो, दोनों को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके। काउंट एज मैनी रिब्स, कह रहे हैं कि जो रिब्स हैं आपकी, रिब्स क्या होती हैं, जो चेस्ट में बोन्स होती हैं आपकी, जैसे कि ये वाली बोन्स, ये जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है हमें, ये वाला डायग्राम इसमें फिगर 5.10 में देखेंगे आप, तो ये जो बोन्स हैं इनको कहते हैं हम रिब्स। ठीक है, और इसके पीछे वाली जो बोन है इसे कहते हैं बैक बोन। तो कह रहे हैं इन्हें काउंट करने की कोशिश करो एज पॉसिबल। ऑब्जर्व 5.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। व्हाट वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। अब कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि जो रिब्स हैं वो बेंट हो रखे हैं, मोड़ रखे हैं। ठीक है, दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर, ये जॉइन करती है चेस्ट बोन को, ये चेस्ट बोन और बैक बोन को, ये पीछे हमारे पास एक बोन और है, ये बैक बोन, इन दोनों को रिब जॉइन करती हैं। ठीक है, टू फॉर्म अ बॉक्स दिस इज कॉल्ड रिब केज।
और एक बॉक्स बनता है, उसे क्या कहते हैं, रिब्स, रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो रिब होती है वो ज्वाइन करती है हमारी चेस्ट बोन को और बैक बोन को, जिससे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे व्हाट इज रिब केज, रिब केज आ रहेगा यहाँ पे आगे, तो लिखेंगे रिब्स, जो रिब्स होती हैं, रिब्स वाली बोन, रिब्स ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ती है, ठीक है, चेस्ट बोन को और कौन सी बोन को, बैक बोन को। तो इसे कहते हैं रिब्स, रिब्स जॉइन द चेस्ट बोन विद बैक बोन एंड फॉर्म अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रिब केज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, 12 रिब्स होती हैं चेस्ट की हर साइड पे, इस साइड भी 12 और इस साइड भी 12। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं, स्टार लगाएंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, उसको बाद में इंडेंट करेंगे। और नीचे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइ प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज, और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे बॉडी के इस रिब केज में प्रोटेक्टेड रहते, सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, ये सब इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, कुछ फ्रेंड को बोलो कि अपने अपने पाँवों के अंगूठों को टच करें, और उस प्रोसेस में जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो तो आप कोशिश करो कि अपने पाँव का अंगूठों को टच करोगे, लेकिन उस कोशिश में आपकी ना नीज़ जो घुटने हैं वो बेंड नहीं होने चाहिए, मुड़ने नहीं चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, नेक से स्टार्ट करके मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, वट यू फील इन इज द बैक बोन। अब कह रहा है कि अब नेक से स्टार्ट करो और उसके ना बैक को यहाँ से पीछे से बैक को टच करना स्टार्ट करो, तो आप ना ये ऐसा स्ट्रक्चर फील करोगे, जैसे ये ड्रॉ हो रखा है 5.11 में, इसको हम बैकबोन कहते हैं, ये बैकबोन हमारे बैक में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, जैसे ना ये हमारे बहुत छोटी छोटी बोन्स से बनी होती है जिसने हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है, बैकबोन इज मेड अप ऑफ, बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। ठीक है, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्राज, बैकबोन में कितने वर्टिब्राज होते हैं, 33 वर्टिब्राज होते हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स, और रिब केज जुड़ी होती है इन्हीं बोन्स से, वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, अगर बैकबोन इतनी छोटी छोटी हड्डियों से ना बनी होती और केवल एक ही बोन होती तो जो हमारा फ्रेंड मुड़ा है, झुका है, वो झुक भी ना पाता, बेंड भी ना हो पाता। ठीक है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स पास टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल, डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, जो कह रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड को कहोगे कि ना दोनों हाथों को उठाए और एक वॉल को पुश करने की कोशिश करे, तो आप देखोगे कि उसके ना शोल्डर्स के पास दो बड़ी बड़ी बोन्स दिखेंगी, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, शोल्डर बोन्स कहते हैं। ऑब्जर्व 5.3 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स, अब 5.3 का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, पेल्विक बोन्स कहते हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, और जो हमारा जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसके नीचे ये वाला स्ट्रक्चर होता है पेल्विक एरिया, ये होती हैं इसमें, यहाँ पे लेग्स जुड़ी रहती हैं,
और ये पेल्विक एरिया है हमारा, ठीक है। ये हमारा पाया जाता है जो स्टमक होता है, स्टमक के नीचे। दिस इज़ द पार्ट यू सिट ऑन, और इसी पार्ट पे हम जब बैठते हैं तो यही पार्ट हमारा सिट होता है, बैठता है, ठीक है ना। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, जो स्कल होता है वो बहुत बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। ये हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, लिख लेते हैं। स्कल जो होता है, स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ठीक है। इसे थोड़ा सा इंडेंट करेंगे हाथी के हाथ, मतलब इसकी स्पेसिंग सही करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, एक ये और रहता है, इसे भी कर लेंगे, ठीक है, भी हो गया। अब उसके बाद आगे करना स्टार्ट करते हैं, आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन, हमने बहुत सारे बोन्स और जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जो स्केलेटन में होते हैं। देर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजेस। अब कह रहे हैं हमारे बॉडी के स्केलेटन में और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इतनी हार्ड नहीं होती जितनी बोन्स होती हैं, पर इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं कार्टिलेजेस। जैसे कि आप ईयर देख सकते हैं, हमारा जो ईयर होता है वो इतना नहीं हार्ड होता जितना हमारी बोन्स हार्ड होती हैं, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन ये बेंड हो सकता है, तो इन्हीं को हम कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। जो ईयर बनाया हमारा वो कार्टिलेजेस से बनाया। सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट दिस आर कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है ना। कार्टिलेजेस आर कार्टिलेज द पार्ट ऑफ बॉडी, द पार्ट ऑफ स्केलेटन विच इज नॉट एज हार्ड एज स्केलेटन बट कैन बी बेंट, पर वो मुड़ सकता है, इट इज कॉल्ड इस पार्ट को क्या कहते हैं? स्केलेटन। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्केलेटन, सॉरी कार्टिलेज, दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्टिलेज, ओके। और नेक्स्ट करते हैं हम, फील योर ईयर, ईयर को फील करने के लिए डू यू फाइंड एनी हार्ड बोन्स पार्ट दैट कैन बी बेंट, देयर डू नॉट सी मैनी बोन्स देयर इजंट इट, डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन ऑफ अबव एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स, अपर पार्ट देखा है और लोअर पार्ट, ईयर लोब देखा है, जो नीचे लटक रहा होता है ईयर के, ईयर लोब होता है। यू डू फील समथिंग इन द अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज नॉट एज सॉफ्ट एज द ईयर लोब बट नॉट एज हार्ड एज द वन, इजंट इट, दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, कार्टिलेज कहाँ होते हैं? जो बॉडी के जॉइंट्स में भी पाई जाती है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। वी हैव सीन दैट, यहाँ से पढ़ रहे हैं, वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स, हमने देखा कि जो हमारा स्केलेटन बहुत बोन्स से बना हुआ है, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज से बना हुआ है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ दैम, और हम इसे इनमें से कईयों को फील कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं और मूव कर सकते हैं इनकी हेल्प से। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक, वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज, व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द मूव वे दे डू, लेट अस फाइंड आउट। मेक अ फीस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर, कह रहा है कि एक फीस्ट बनाओ, मेक अ फीस्ट विद वन हैंड, एक मुट्ठी बांधनी है आपको एक हैंड से, बेंड योर आर्म टू द एल्बो, और आर्म को अपने एल्बो तक ले जाना है मोड़ करके, एंड टच योर शोल्डर विद द थंब, और अपने शोल्डर को अंगूठे से छूना है, ठीक है,
डू यू सी एनी चेंज इन इन योर अपर आर्म? आप क्या अपर आर्म को देख सकते हो, कोई चेंज हुआ है? टच इट विद अदर हैंड, दूसरे हाथ से टच करो. डू यू ऑब्जर्व अ सोलन रीजन इन द अपर आर्म? तो आप देखोगे, जैसे ही आप देखें, ये इसने क्या किया, ऐसे फीस्ट बांधी और मोड़ने की कोशिश कर रहा है. तो आप देखोगे यहाँ पे ना क्या होता है ना, एक जो मसल्स बन जाती हैं हमारी, ठीक है. तो वो कह रहा है कि ये जो सोलन मतलब जो सूज जाता है वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, मसल कहते हैं. दिस इज अ मसल, ठीक है. द मसल बल्ज ड्यू टू, जो मसल किस लिए निकलता है, कंट्रैक्शन के कारण निकलता है, ठीक है. जब हम मसल्स को ऐसे अपने हाथ को बेंड करते हैं तो जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो एक बल्ज, एक सूजन सी आ जाती है, ठीक है ना. नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. जब आप अपने आर्म को वापस से दोबारा से खोल कर नॉर्मल पोजिशन में लाओगे तो वो बल्ज जो चला जाता है वो चला जाएगा और फिर से पहले जैसी स्ट्रेट आ जाएगी. यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग. और यही कॉन्ट्रैक्शन हमारे लेग में भी हो सकता है जब हम दौड़ते हैं या रनिंग करते हैं, ठीक है. वैन कॉन्ट्रैक्टेड, जब ये सिकुड़ा रहता है, द मसल बिकम्स शॉर्टर, ठीक है. जब हमारे आर्म्स, लेग्स, ये सब क्या करते हैं, सिकुड़े रहते हैं, तो मसल्स क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, स्टिफर हो जाती हैं और थिकर हो जाती हैं, ठीक है. मतलब मोटी हो जाती हैं, छोटी और मोटी हो जाती हैं. इट पुल्स द बोन, तो ये बोन को क्या कहते हैं, खींचती हैं. मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो होती हैं वो जोड़ों में काम करती हैं. वैन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन. जब कोई मसल सिकुड़ती है तो बोन क्या होती है, उसी डायरेक्शन में चली जाती है. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, जो दूसरा मसल होता है पेयर का वो रिलैक्स कर रखा होता है. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, बोन को जो है मूव करने के लिए दूसरी डायरेक्शन में, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब क्या कह रहे हैं कि अगर बोन को हमें दूसरी डायरेक्शन में मूव करना है तो जो रिलैक्स वाली मसल रहेगी ना, तो मैंने बताया कि पेयर में काम करती है, एक रिलैक्स वाली मसल होती है और दूसरी जो हमारी बैंड बैंड हो रही होती है वाली. तो जो रिलैक्स मसल होगी, जब बोन को दूसरी डायरेक्शन में मूव करना होगा, जो रिलैक्स मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, सिकुड़ेगी तो क्या होगा, बोन को अपनी तरफ खींचेगी. टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. तो अब क्या किया हमने, जो अब क्या हुआ, आप देखते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से समझाता हूँ. मसल्स होती हैं पेयर्स में काम करती हैं, ठीक है. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स, जब इन दोनों में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी, द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन, तो जो बोन होगी वो उस डायरेक्शन में चल जाएगी, ठीक है. टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब बोन को दूसरे डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरे डायरेक्शन मूव करने के, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो रिलैक्स मसल होगी वो फिर वो सिकुड़ेगी और फिर बोन उस डायरेक्शन में जाएगी. वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, और अब देखो, अब ये ना ये डायग्राम से समझ में आएगा. मान लेते हैं कि पहले हमारा हाथ था ऐसे, ठीक है, पहले मान लेते हैं ऐसे. अब हम जब मोड़ेंगे तो अब पेयर में काम करती है, तो एक रिलैक्स मसल होगी और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी, ठीक है ना. तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगी ना मसल, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये इस वाली बोन को अपनी तरफ खींचेगी ऐसे, ठीक है. ऐसे ही सिमिलरली जब इस हाथ को, अब मुड़े हुए हाथ को नीचे ले जाएंगे, तो जो रिलैक्स वाली मसल है अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स कर जाएगी. और फिर इसकी अब तो जो पहले रिलैक्स हो रखी थी वाली मसल पुल होगी, अब वो पुल होगी तो ये हाथ नीचे की तरफ, इस हाथ को नीचे की तरफ खींच लेगी वो रिलैक्स वाली मसल. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज, अब यहाँ से पढ़ते हैं, आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. क्या मसल्स और बोन्स की हमेशा मूवमेंट करने की जरूरत होती है? हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स पर बोन होती है? वट अबाउट एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के बारे में, जो केचुआ होता है अर्थवॉर्म के बारे में क्या कहना है? या स्नेल, उसके पास कोई बोन नहीं होती फिर भी मूव करता है, तो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है. मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण मूव करते हैं. एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा सिकुड़ेगा, फिर दूसरी बार मसल जो होगा वो रिलैक्स करेगा. तो इसी मूवमेंट के कारण, मसल के मूवमेंट के कारण जो अर्थवॉर्म होता है और स्नेक होता है मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. देखते हैं गेट ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट है गेट ऑफ एनिमल्स. अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे पहले. एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन पीस ऑफ फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर. कह रहा है कि जो अपने पार्क में आप देखोगे कोई, आपको क्या मिलेगा, अर्थवॉर्म मिलेगा, उसको उठाओ और पेपर पे रख दो. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट,
देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। तो आप एक बार पेपर पे रखोगे और इसके देखोगे ये किस तरीके से मूव कर रहा है, फिर जब आप इसे ग्लास पे रखोगे या किसी स्मूथ सरफेस पे रखोगे, तब आप देखना इसकी मूवमेंट कैसी है, किस हिसाब से चल रहा है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, इन विच ऑफ द अबाउट टू सर्फेसेज डू यू फाइंड दैट अर्थ फॉर्म इज एबल टू मूव ईजली। अब आप बोलोगे, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी सर्फेस पे अर्थ फॉर्म ज़्यादा आसानी से चल रहा है। द बॉडी ऑफ एन अर्थफॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अर्थफॉर्म कैसे बना होता है, इसमें बहुत सारी रिंग्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्थफॉर्म में रिंग दिख रही है, इसमें बहुत सारी रिंग होती है और इन रिंग्स से मिलकर अर्थफॉर्म बना होता है। ठीक है, प्रोसीड कर, अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। एन अर्थफॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थफॉर्म पे कोई बोन नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसके पास क्या होती है, मसल्स होती हैं जिसके कारण, जो कि इसे हेल्प करती हैं अपनी बॉडी को बढ़ाने में और छोटा करने में। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसे लिखते हैं। अर्थवर्म के बारे में है, एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू ग्राउंड देन इट फिक्सेज द फ्रंट एंड एंड रिलीजेज द रियर एंड, इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड अप फॉरवर्ड, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड। अब देखो अर्थवॉर्म कैसे मूव करता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये रिंग से बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये यहीं रहेगा और पिछले पार्ट को अपने सिकोड़ लेगा। ठीक है, अब इसका पिछला पार्ट जब सिकोड़ लेगा ये, तो जो इसका अगला वाला पार्ट है उसको, पिछला पार्ट यहाँ सिकोड़ के यहाँ तक ले आया मान लो, तो अगले वाले पार्ट को रिलैक्स करेगा, फिर इसका अगला वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा, फिर ये अगले वाले पार्ट को जब, अब फिर कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ आ चुका है मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, पहले इसने सिकोड़ा फिर पुश किया दूसरा वाले, अगले वाले को आगे ले गया, अब यहाँ आ गया। तो अब ये क्या करेगा, जो हमारे पास अब ये फिर से पिछले वाले को सिकोड़ेगा और आगे तक लाएगा, फिर उसे रिलैक्स करके आगे पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा होता है। ठीक है, पहले आगे वाले को, पहले क्या करेगा, पीछे वाले को सिकोड़ेगा, फिर आगे वाले को रिलैक्स करेगा, फिर पीछे वाले को सिकोड़ेगा, फिर आगे वाले को रिलैक्स करेगा, इस तरीके से मूव कर रहा होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इट्स बॉडी सिक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। इसकी बॉडी जो होती है वो एक स्लिमी सब्सटेंस छोड़ती है जिससे ये मूव कर सके, एक कोई सब्सटेंस छोड़ती है इसकी बॉडी फिसलने वाला जिससे मूव करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ द ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इसकी बॉडी में अंदर की तरफ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं प्रोजेक्टिंग आउट जो बाहर निकलते हैं। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड टू विद मसल्स, जो जो ब्रिसल्स होते हैं ये मसल से कनेक्टेड रहते हैं, जो छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं मसल से कनेक्टेड रहते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और ये ब्रिसल कहते हैं, ब्रिसल हेल्प करते हैं इसकी मूव करने में ग्राउंड पे अर्थवर्म की। ठीक है, तो ब्रिसल्स क्या होते हैं ये लिख लेते हैं, BRISTLES, ब्रिसल्स, द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म्स बॉडी विच हेल्प देम टू मूव आर कॉल्ड ब्रिसल्स। ठीक है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अर्थवर्म को मदद करते हैं मूव करने में, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिसल्स कहते हैं। नहीं था, नेक्स्ट करते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स
अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूज फॉर प्लांट. अब ये पूछ सकता है कि जो अर्थवर्म है वो कैसे मदद करता है हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने में. ठीक है, तो ये वही बता रहा है. जो अर्थवर्म होता है वो ईट करता है किसे, सॉइल में उसे जो भी मिलता है उसे ईट करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो थ्रो कर देता है वापस से सॉइल में, और वही जो अनडाइजेस्टेड थ्रो करता है वही सॉइल को फर्टाइल बनाती है. ठीक है, अर्थवर्म ईट्स, अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, सॉइल को खाता है. अर्थवर्म ईट्स सॉइल एंड थ्रोज अनडाइजेस्टेड फूड इन सॉइल विच मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल, विच मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल. ठीक है, इसको भी स्टार नोट कर लेंगे. नेक्स्ट में प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट है स्नेल. स्नेल की मूवमेंट भी कुछ कुछ इसी की तरह होती है. ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन फील्ड, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज. इसके ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, दिस इज कॉल्ड द शेल. और इसे क्या कहते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर को शेल कहते हैं. इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्केल बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, पर ये बोन्स का नहीं बना होता है. द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम, सेल जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है, ये हेल्प नहीं करता स्नेल को मूव करने में. ठीक है, जिस ऊपर शेल लगा हुआ है ये स्नेल की बिल्कुल मदद नहीं करता मूव करने में. ठीक है, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन, और स्नेल को क्या करना पड़ता है, इसे अपने ऊपर ढो ढो के हर जगह ले जाना पड़ता है. प्लेस द स्नेल ऑन ग्लास प्लेट, अब स्नेल को ग्लास प्लेट पे रखो और उसको देखो. व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट, जब ये मूव करने लग जाए तो ग्लास प्लेट को उठा लो अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड, और अपने सर के ऊपर उठा लो. ऑब्जर्व इट मूवमेंट्स फ्रॉम बीनीथ, और इसकी जो मूवमेंट है वो ग्लास के नीचे से देखो. ठीक है, कैसे चल रहा है ग्लास के नीचे से देखो. अ थिक स्ट्रक्चर दैट एंड द हेड ऑफ द स्नेल, एक जो मोटा सा स्ट्रक्चर होता है और जो स्नेल का हेड होता है. ठीक है, मेक कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, वो जो होता है वो ओपनिंग से निकल आता है सेल में. सेल से जो थिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जो स्नेल होता है ये किससे निकल आता है, अपने सेल से निकल आता है मूव करते वक्त. द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, जो थिक स्ट्रक्चर होता है वो इसके पाँव होते हैं, एंड द स्ट्रॉन्ग मसल्स. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन. इट्स मोमेंट ऑफ द स्नेल इज द मोमेंट ऑफ द स्नेल और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवर्म. ठीक है, ये कह रहा है कि ये भी उसी तरीके से मूव करता है, बस डिफरेंस ये है इसके इसके ऊपर ना एक शेल होता है जो कि इसे हर जगह ना कैरी करके ले जाना पड़ता है. ठीक है, बाकी मूव अर्थवर्म की तरह ही करता है. नेक्स्ट है कॉकरोच. कॉकरोच देखेंगे, कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल. कॉकरोचेस वॉक भी करते हैं और क्लाइंब भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं इन हवा में, उड़ते भी हैं, चलते भी हैं और क्लाइंब भी करते हैं, चढ़ते भी हैं दीवारों पे. दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, इनके तीन जोड़े होते हैं लेग के, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 लेग्स होते हैं. ठीक है, कॉकरोचेस के पास 6 लेग्स होते हैं. दीज हेल्प इन वॉकिंग, ये वॉकिंग करने में चलने में मदद करते हैं. द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, एक ऊपर की तरफ बाहर की तरफ मोटा सा मजबूत सा स्केलेटन होता है, उससे इसकी बॉडी कवर रहती है. दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर, ये कैसे बनाता है, एक बहुत छोटी छोटी नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं उनसे बना होता है. एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, और इससे के कारण ही मूव कर पाता है. देर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स, इसके दो पंख भी होते हैं जो कि अटैच होते हैं इससे बॉडी से, बॉडी के पीछे की तरफ दो पंख भी इसके अटैच रहते हैं. ठीक है, कहाँ थे हम, देर आर टू पेयर्स ऑफ, हाँ, द कॉकरोचेस, यहाँ पढ़ रहे हैं हम. द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, इसके अलग अलग मसल्स होती हैं. दोज नियर द लेग्स
मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो इसके पाँव के पास की मसल होती हैं वो हेल्प करती है लेग्स को मूव करने में। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई, और जो बॉडी के मसल्स होती हैं वो कॉकरोच को हेल्प करती हैं कैसे फ्लाई करने में, हवा में उड़ने में। तो कॉकरोचेस के बारे में हमने क्या पढ़ा, कॉकरोचेस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसके पास 6 लेग्स होते हैं, मतलब 3 पेयर होते हैं लेग के, तो टोटल लेग्स हो गए 6। इसके पास ऊपर की तरफ एक हार्ड जो होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इसे ना कवर करके रखता है और इसे हेल्प करता है वॉक करने में। इसके पास क्या कहते हैं मसल्स होती हैं अपने इसके लेग्स के आसपास, जैसे कि हमने पढ़ा था कि दिस इज आउट ऑफ सर्टन आर एंड दैट देर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड द कॉकरोचेस, इसके डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं अब लेग्स के पास और बॉडी में इसके मसल्स होते हैं। जो लेग्स के पास वाली मसल्स होती हैं वो इसे वॉक करने में, चलने में हेल्प करती हैं, और जो बॉडी में मसल होती हैं वो इसे उड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, इसके दो पंख भी होते हैं जिससे ये उड़ पाता है। बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, बर्ड्स होती हैं वो हवा में उड़ती हैं और ग्राउंड पर चलती हैं। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड लाइक डक्स एंड स्वैंस ऑल्सो स्विम इन द वाटर, पर कुछ बर्ड्स तैरती भी हैं, जैसे कि डक्स हो गया या फिर हमारे पास हो गए समर डक्स हो गए और स्वैन हो गए, स्वैन होता है हंस और डक्स होते हैं हमारा बत्तख, ये जो स्विम भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं वाटर में। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ क्यों पाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लाई उड़ने के लिए ही बनी होती है। देयर बोन्स आर हॉलो, उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, हॉलो होती हैं, ठीक है, खोखली होती हैं एंड लाइट। देयर बोन्स ऑफ द हैंड, देयर बोन्स ऑफ द हैंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हैंड लिम्ब के पास वो बनी होती है किसके लिए, वॉक करने के लिए और चहचहाने के लिए, पर्च करने के लिए। तो सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड ऑल्सो द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, द बोन्स आर हॉलो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो एंड लाइट होती हैं। यहाँ लिख लेते हैं, बोन्स ऑफ द बर्ड आर, ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, जो बोनी पार्ट होते हैं फोर लिम्स के पास, जैसे ये वाले पार्ट जो होते हैं बोनी, इनमें पहले बोन्स था लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में बदल गए। द शोल्डर बोन्स स्केलेटन ऑफ अ बर्ड, तो ये बोनी पार्ट है ये विंग्स में कन्वर्ट हो गए। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो शोल्डर बोन्स होते हैं ये वाले पास वाले बॉडी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ फ्लाइट, जो ब्रेस्ट के बोन्स हैं ये मॉडिफाई हो गए, ठीक है, मॉडिफाई हुए हैं किस लिए, टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट, ये अब क्या करते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं मसल्स उनको कंटेन करते हैं। विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, अब यहाँ पे ना इसके जो चेस्ट के पास है ना, जो ब्रेस्ट के पास है, ब्रेस्ट के पास वाले मसल्स इसको हेल्प करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जिसके कारण इसके जो अपने पंख हिला पाता है और उड़ पाता है पक्षी। ठीक है, फिश के बारे में पढ़ रहे हैं, अब देखो एक्टिविटी दे रखी है, एक पेपर बोट बनाना है, पुट इट इन द वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, डिड इट गो इनटू द वाटर इजिली, क्या कह रहे हैं, पुट इट इन द वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, तो क्या ये पानी में जाएगा। नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, अब साइडवेज रखेंगे और जो ब्रॉड साइड है, जो चौड़ी वाली साइड है, वहाँ से इसे पुश करेंगे वाटर में। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड, जब आप साइड से पुश करोगे तो क्या है पानी में चली जाएगी। देखना क्या है कि अगर हम यहाँ से पुश करेंगे तो नीचे की तरफ पुश होगी, और साइड से पुश करेंगे तो लेफ्ट की तरफ मूव होगी डायरेक्शन में, ठीक है ना। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश, जो बोट की शेप होती है वो किसकी तरह होती है, शिप फिश की तरह होती है, मछली की तरह शेप होती है बोट की, ठीक है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, जो हेड होता है ये
हेड आगे वाला पार्ट दिखा देता हूँ, ये हेड आगे वाला पार्ट और ये जो टेल होता है ये दूसरे बॉडी के पार्ट से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, छोटा होता है किससे, मिडल पोर्शन से, ये मिडल वाला पोर्शन जो फिश का बड़ा होता है और जिसका हेड होता है और टेल होता है छोटा होता है बाकी के पोर्शन से, बॉडी के जो मिडल का पोर्शन है उससे। द बॉडी टेपर्स एट बोथ हैंड, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप क्या होती है, मतलब जो जो फिश की जो शेप होती है ना वही एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होती है जिसमें हेड और टेल छोटी होती हैं मिडल वाली पोर्शन से। द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट, शेप कुछ इस तरीके से होती है कि इसके आसपास जो वाटर है फ्लो कर जाएगा एंड अलाउ द फिश टू मूव वाटर। ठीक है, तो इसके इसका शेप इस तरीके से है कि अगर जब फिश मूव करेगी ना तो ये पानी को चीरती हुई आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसका स्ट्रीम लाइन है क्योंकि शेप, तो स्ट्रीम लाइन शेप हेल्प करता है कि आप जो है वाटर को चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रीम लाइन अगर शेप है आपके पास तो। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रांग मसल, जो स्केलेटन होता है फिश का वो मजबूत मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग स्विमिंग के दौरान मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, स्विमिंग के दौरान मसल्स क्या होते हैं फ्रंट पार्ट बनाते हैं बॉडी का कर्व, अब उसे कर्व बना देते हैं फ्रंट बॉडी पार्ट को टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब मूवमेंट कैसे हो रही होती है इनकी, ये जो होता है इनका आगे वाला पार्ट है ये कैसा है कर्वी है, पीछे वाला पार्ट लगातार हिल रहा होता है तो ये आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं पीछे वाले पार्ट्स को से पानी हिला हिला करके आगे बढ़ती हैं, और आगे कैसे है इनका स्ट्रीम लाइंड है तो आगे सीधा बढ़ती चली जाती हैं बिना किसी रुकावट के। Then quickly the body and the tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward. A series of such jerks make the fish swim. This is helped by the fins and the tails. Swimming fish किसकी मदद से करती है, fins की वजह से और tails की मदद से वो करती है, swim करती है। Fish swims with the help of fins and tail। ठीक है, दे रखा है ये अपनी पूंछ को मूव करेगी आगे से, इसका स्ट्रीम लाइंड है कर्व है तो ये सीधा ऊपर की तरफ मूव करते हुए चली जाएगी। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब जो है ना इसके पास और भी फिन्स होते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं फिश की डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में तैर रही है उस डायरेक्शन में तैरती रहे मेंटेन कर सके और अपनी बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको मेंटेन कर सके, अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर सके। ठीक है, डिड यू एवर नोटिस दैट द अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। अब कह रहे हैं कि जब आप देखते हो कि डाइवर्स जो कूदते हैं ना तो उनके जो फीट पे क्या होते हैं फिन जैसे, जैसे इसका जो वो फिन है उसके जैसे फ्लिपर्स होते हैं। ठीक है, आगे है हाउ डू स्नेक मूव्स, याला पढ़ेंगे कि स्नेक किस हिसाब से मूव करते हैं। सो लेट्स स्टडी दिस, हैव यू सीन द स्नेक स्लिथर, डज इट मूव स्ट्रेट। आपने क्या कभी स्नेक को रेंगते हुए देखा है, कोई जो सांप होता है वो रेंगता है कैसे, सीधा चलता है, नहीं सीधा नहीं चलता। तो स्नेक क्या होता है, ऐसे ऐसे कर्वी कर्वी सब ये बना करके चल रहा होता है। ठीक है, स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, इनके पास एक बहुत लंबी क्या होती है बैकबोन होती है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, इसके पास बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं। They are connected to each other even though they are far from one another. अब फिर भी ये एक दूसरे से connected रहती हैं, इनकी जो muscles हैं ये बहुत ज़्यादा thin है, snakes के muscles बहुत ज़्यादा thin है, backbone होती है इसके पास, इसमें बहुत छोटी छोटी muscles होती है backbone में और ये एक दूसरे से, ये इतने thin है और एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं पर फिर भी आपस में क्या रहती हैं connected रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। Muscles also interconnect
द बैकबोन, ये मसल्स जो होती हैं और मसल्स बजी हुई होती है इसके पास, ये इंटरकनेक्ट करते हैं बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। स्नेक जो होता है, जो स्नेक की बॉडी होती है वो ऐसे कर्व बना लेती है कई सारे लूप्स में, जिसे कुंडली कहते हैं हम, कि चारों तरफ ये राउंड राउंड हो जाता है, किसी चीज़ को पकड़ लेता है, ठीक है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट फॉरवर्ड पुश, और जो इसके जो जितने लूप बनाएगा ये ऐसे ऐसे ये ऐसे, देखिए ये देखिए ये जैसे इसने एक लूप बनाया फिर दूसरा लूप बनाया, अभी क्या करता है जितने लूप बनाएगा उतने ही इसे आगे की तरह धक्का मिलेगा, ठीक है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट। अब कह रहा है कि अब देखो क्या है, क्या कह रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं मूव करता, मतलब एक सीधी लाइन में नहीं मूव करता, पर स्नेक ना फिर भी, अब देखो आप सीधा चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे, लेकिन आप टेढ़ा मेढ़ा चलोगे तो लेट पहुंचोगे ना, लेकिन ये कह रहा है कि स्नेक ऐसे कर्व में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, फिर भी बहुत तेज़ी से मूव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कर्व बनाता है वैसे ही इसको ना एक पुश मिलता है हर कर्व के साथ। अब इसकी बॉडी बहुत लंबी होती है इसलिए इसे लगातार पुश 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 लगातार धक्के मिल रहे होते हैं, तो इन्हीं धक्कों के कारण ये लगातार स्ट्रेट लाइन तो नहीं मूव करता, लेकिन ऐसे ही कर्व में मूव करके भी बहुत तेज होता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, पहेलियन बूझो, पहेलियन बूझो, क्या बूझना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक आस्क हिमसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हैव हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू, वट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाई डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाई टू लेग्स आर फॉर ह्यूमंस एंड फोर लेग्स फॉर काउज एंड फेलोज, मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई इज द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स, सो मैनी क्वेश्चन, परहैप्स वी लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स, ठीक है। अब तो ठीक है, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक इसमें इस वाले पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने क्या कर लिया, चैप्टर को तो पूरा रीड कर लिया यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर रीड हो चुका है। समरी को एक बार रीड करते हैं, समरी पे आ जाएंगे हम, यहाँ है समरी, कह रहा है बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्केलेटन क्या बनाते हैं, स्केलेटन किससे बनता है, बोन्स से बनता है और कार्टिलेजेस से बनता है, तो बोन्स एंड स्केलेटन जो होता है वो क्या बनाती हैं, स्केलेटन बनाती हैं, मतलब ढांचा बनाती हैं कंकाल ह्यूमन बॉडी का, इट गिव्स द फ्रेम एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये क्या करती हैं, बॉडी को शेप देती हैं एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, और इसी कारण बॉडी चलता है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, और ये इनर ऑर्गन्स को भी बचाती हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा काम क्या है, बोन्स का और कार्टिलेजेस का, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ स्कल द बैकबोन, ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है उसमें क्या क्या होता है, स्कल होता है, बैकबोन होता है, रिब्स होती हैं, ब्रेस्ट बोन होती है, शोल्डर होता है, हिप बोन्स होती हैं, एंड द बोन्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स होती है, बोन्स हाथ और पाँव की भी बोन्स होती हैं, ठीक है। द बोन्स आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ सेट ऑफ मसल्स, बोन्स कैसे हिलती हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, जैसे पेयर में होता है ना, तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी फिर दूसरी रिलैक्स करेगी, फिर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी पहले रिलैक्स करेगी, तो इस तरीके से हमारी बोन्स जो होती हैं, मसल्स होती हैं, मूव कर रही होती हैं, बोन्स मूव कर रही होते हैं मसल्स के हेल्प से, जैसे पेयर में मसल्स होंगी तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी रिलैक्स रहेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो बोन को अपनी तरफ खींच लेगी, फिर जब दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पहले रिलैक्स करेगी, तो जो दूसरी वाली जो कॉन्ट्रैक्ट करी है वो बोन को फिर अपनी तरफ खींच लेगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। द बोन जॉइंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, यहाँ पे हम द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग दे अलाउ, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प बर्ड्स फ्लाई, जो बर्ड्स के पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं और हल्की हल्की हड्डियाँ होती हैं, इनके हल्की होने के साथ साथ अंदर से खोखली भी होती हैं हड्डियाँ, हॉलो होती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स को कौन हेल्प करता है उड़ने में, उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स और उसकी जो हल्की हल्की बोन्स हैं, वो दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, और अपने विंग्स को खोल के और फड़फड़ा के उड़ती हैं। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स, फिश कैसे स्विम करती है, लूप बना के, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ऑन टू साइड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के दोनों साइड पे लूप बनाती है,
ऐसे पीछे वाली जो फिन होती है उसकी जो टेल होती है उसको फड़फड़ाती है और उससे क्या करती है और उसी के थ्रू ये लूप बना करके आगे स्विम करती है। स्नेक स्लेथर ऑन द ग्राउंड बाय लूपिंग साइडवेज। अब स्नेप कैसे करता है, साइडवेज लूप बनाता है, ऐसे कर्वी सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, कर्वी सा स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे उसे पुश मिलेगा और वो आगे की तरफ मूव करेगा। द बॉडी एंड द लेग्स ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग्स। जो बॉडी होता है और लेग होते हैं कॉकरोचेस के, द बॉडी एंड द लेग ऑफ कॉकरोचेस हैव हार्ड कवरिंग्स। जो बॉडी होता है और लेग होता है कॉकरोचेस के, उनके पास हार्ड कवर होता है, फॉर्मिंग द आउटर स्केलेटन, जैसे बाहर का स्केलेटन बना होता है जो हमने पढ़ा था। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट, द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड टू पेयर ऑफ विंग्स हेल्प कॉकरोचेस टू वॉक एंड फ्लाई। जो ब्रेस्ट की मसल्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं लेग्स से और विंग्स से, जिसके कारण कॉकरोच क्या करता है, चल पाता है और फ्लाई कर पाता है। अर्थवर्म्स मूव, देखते हैं नेक्स्ट, अर्थवर्म मूव्स बाय ऑल्टरनेट एक्सट्रैक्शन। अर्थवर्म कैसे मूव करता है ये तो हमने पढ़ा ही है। अब क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, इसकी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी रिलैक्स करेंगी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसकी मसल्स एक्सटेंड करती हैं जिसके कारण ये मूव कर पाता है। टाइनी ब्रिशल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रैपिंग द ग्राउंड। अब ये जमीन को कैसे पकड़ के रखता है, अब इसकी बॉडी में जो छोटी छोटी ब्रिसल्स होती हैं उनकी हेल्प से। स्नेल्स मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट। स्नेल कैसे मूव करते हैं, मस्कुलर जो इनके मसल्स वाले फूट होते हैं उनसे मूव कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेते हैं। आगे आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। अब यहाँ से एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे नोट्स जो हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, एक बार इसको ना सही कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये तो नीचे ही रहेगा और इधर इधर आ गए, ऐसे इधर आ गए, इधर आ गए और इधर आ गए और सॉरी ये तो ऐसे रहेगा और इसको भी इसमें लिख दिया, ठीक है ये हो गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको भी पॉइंटर्स दे देते हैं, जैसे जॉइंट है हमारा, इसको भी पॉइंटर दे दिया, इसको पॉइंटर दे देते हैं, एक काम करते हैं मल्टीपल सेलेक्ट कर लेते हैं और एक सब पॉइंटर दे देते हैं, जैसे दो सेलेक्ट किया है, 3 4, ऑल्ट दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक बार स्टार डालेंगे सब में आ जाएगा, ठीक है सब में आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे, यहाँ तक हो गया। अब एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसमें ना नोट्स में हम नीचे की तरफ हमेशा जैसे एक्सरसाइजेस बनाते हैं वैसे काम करेंगे इसमें भी, यहाँ पे नीचे की साइड लिखेंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। और एक्सरसाइजेस में यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा क्वेश्चन अपना ये ट्रू फॉल्स, इसको ला करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसका आंसर लिखेंगे, फिर कॉपी यहाँ पे देन पेस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, एंड देन यहाँ पे और ये वाला पे स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द, जॉइंट्स किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, जो बोन्स और कार्टिलेजेस का कॉम्बिनेशन वो क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है, स्केलेटन ऑफ बॉडी। द बोन्स एट द एल्बो, एल्बो के बोन्स कौन से जो किससे जुड़े होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स पे, हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। द मूवमेंट
द मोमेंट एंड लोकेशन ऑफ ऑल एनिमल्स, जो मोमेंट होता है और लोकोमोशन होता है मतलब उसका चलना फिरना ये सब, एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, वो सेम होता है सबका, नहीं फॉल्स, सबका सेम कैसे होता है, सबका सेम थोड़ी होता है। उसका द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, जो कार्टिलेज होती है वो बोन से हार्डर होती है, नहीं भी गलत है। फिंगर बोन्स डो नॉट हैव जॉइंट्स, फिंगर में क्या होती हैं, जॉइंट्स नहीं होती है, होती तो हैं, तो इसका भी गलत है। द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, तो फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, हाँ आई थिंक फोर आर्म में आई थिंक वन बोन होती है, एक बार इसको सर्च कर लेते हैं, एक बार हम चैट जीपीटी पर खोलेंगे अपना, पूरे चैप्टर में दोबारा जाने से अच्छा, और हम यहाँ से पूछेंगे कि नंबर ऑफ बोन्स इन फोर आर्म, और ये हमें बता देगा कि कितनी बोन होती हैं। दो बोन्स होती हैं, पहली होती है रेडियस और दूसरी होती है उल्ना, ठीक है, तो दो ही बोल रखी है, तो फोर आर्म हैज टू बोन्स, तो इसमें ट्रू, हाँ दो ही होती हैं। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोचेस के पास आउटर स्केलेटन होता है, हाँ आउटर स्केलेटन तो होता ही उनके पास, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है, और हम जो है नेक्स्ट वाले को करना स्टार्ट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है मैचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ से आंसर इसका निकालने लगूंगा। अपर जॉ, पहले काम करते हैं, लिख लेते हैं सारे, ऐसे नहीं लिख रहा है, लिख लेते हैं अपर जॉ। अपर जॉ का आंसर क्या होगा, अपर जॉ का आंसर होगा, अभी बताते हैं, दूसरा फिश, फिर रिब्स, इसमें नंबर ही नहीं है, नहीं है, इसमें देखें फिश एंड देन रिब्स, एंड देन रिब्स के बाद क्या है हमारा, सॉरी रिब्स के बाद क्या है हमारा, स्नेल एंड कॉकरोच, स्नेल जल्दी के चक्कर में थोड़ा मिस हो जा रहा है उसे टाइपिंग में, स्नेल और कॉकरोच, कॉकरोच, इनके आंसर लिखने हैं हमें। अपर जॉ का क्या है, अपर जॉ फिंस नहीं होते, हैज अनदर आउटर स्केलेटन, नहीं, कैन फ्लाई इन द एयर, नहीं, इज एन इमूवेबल जॉइंट, ये है इज एन इमूवेबल जॉइंट, तो इसका ये लिखेंगे, अपर जॉ होता है वो मूव नहीं करता, हमने पढ़ा था ये, इज एन इमूवेबल जॉइंट, ठीक है। फिश क्या होता है, फिश हैव फिंस ऑन द बॉडी, इसके पास फिंस होती हैं, ठीक है, फिश हैव फिंस ऑन द बॉडी, इसके पास बॉडी में क्या होती हैं, फिंस होती हैं। रिब्स, रिब्स का पढ़ेंगे, रिब्स कैन फ्लाई इन द एयर, नहीं, इनमोबल जॉइंट, नहीं, प्रोटेक्ट द हर्ट, ये होता है प्रोटेक्ट, रिब क्या करती है, हर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द हर्ट। स्नेल, स्नेल क्या करता है, शोज वेरी स्लो मूवमेंट, हाँ से ये बहुत स्लो मूवमेंट रखता है, शोज वेरी स्लो मूवमेंट, ठीक है, और कॉकरोच का क्या हैज़ एन आउटर स्केलेटन, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, ठीक है, तो ये हमारा मैचिंग भी हो गया, और आंसर द फॉलोइंग है, व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम करेंगे अभी के अभी, इसके आंसर अभी के अभी लिखेंगे आंसर, वट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आई थिंक ये हमने कवर कर रखा है नोट्स में, तो वहीं से लेंगे हम, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये रहा, हॉलो की स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी,
इसको सही कर लेंगे, ये रहा आंसर हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ये यहाँ पे लिख देंगे हम। दूसरा आंसर करेंगे, विच टाइप ऑफ स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल की कौन सी बोन्स जो होती हैं, कौन से टाइप की जो बोन्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं, हिलने वाली बोन्स होती हैं। आई गेस विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, स्कल बोन्स कौन कौन से मूवेबल हैं, आई थिंक ये हमने पढ़ा था, और एक बार देख लेते हैं, रिबकेज, कार्पल्स, नहीं स्केलेटन नहीं, एक बार स्कल वाले में जाके देख, स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स इट प्रोटेक्ट द ब्रेन, बस स्कल वाले में देखना पड़ेगा कि स्कल के कौन से बोन्स मूवेबल हैं। स्कल 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 स्कल, आई थिंक ये है स्कल, स्कल ऊपर आ गए हम, रिबकेज, द स्कल यही है, द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन इट एंड ब्रेन, वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड देर आर सम एडिशनल बोन्स स्केलेटन दैट आर नॉट हैव कार्टिलेज, फील डू यू नोटिस एनी डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द ईयर बिटवीन द, यू डू फील अपर पार्ट्स ऑफ द ईयर दैट इज सॉफ्ट एंड द कार्टिलेज, वी हैव सीन दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट्स। हम ये तो स्केलेटन की बात करने लग गया है, स्कल की बोन्स की बात, शोल्डर बोन्स, पेल्विक बोन्स, हम एक काम करते हैं कि अच्छा पाइवटल जॉइंट, एक काम करते हैं हम ना इसको भी सर्च कर लेते हैं कि कौन से जो बोन्स हैं स्कल की वो मूवेबल हैं, कभी कभी जब आंसर हमें नहीं मिल रहा होता है तो हम क्या करते हैं उसे इंटरनेट से निकाल लेते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन और बेटर वे में हो सके। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, वो कॉपी करेंगे और एक बार और फिर से GPT में डालेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। सम आर मूवेबल एंड सम आर रिलेटिवली इमूवेबल, द बोन्स दैट मेकअप द क्रेनियम ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द स्कल जनरली कंसिडर्ड एज इमूवेबल, दोज इंक्लूड इन द However, there are movable joints within the skull. For example, the joint between the temporal and immovable jawbone allows the movement of the jaw when we talk to you. This joint is called joint. So, while most of the skull bones are immovable, due to there are some joints of the skull. इसका आंसर होगा jawbone. जो jawbone होती है नीचे वाली, जैसे जो निचला वाला पार्ट है हमारा वो मूवेबल है, अपर जो मूवेबल नहीं है लेकिन लोअर जो मूवेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस आंसर पे कि कौन सी बोन मूवेबल है, लोअर जो बोन और जॉ बोन, ठीक है, तो ये आंसर है। वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारी जो एल्बो है वो बैकवर्ड नहीं मूव कर सकती, ऐसा क्यों, बिकॉज ये हमारे यहाँ पे जो बैक क्या एक जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ करता है मोमेंट साइडवेज की, इसीलिए हमारा जो एल्बो है वो रोटेट हो सकता है साइडवेज लेकिन बैकवर्ड नहीं मूव कर सकता, ठीक है आंसर, बिकॉज एज लिखेंगे एज एल्बो कंटेन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट
विच अलाउ ओनली साइडवेज मूवमेंट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये है, हमारी एक्सरसाइजेस भी ख़त्म हो गई हैं इसकी, और हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और उसके साथ साथ पूरे चैप्टर के नोट्स भी बना लिए हैं, और ये सब कुछ मैंने आपको लाइव ऐसे पढ़ाया है साथ के साथ बैठा के, तो आपको भी पूरा कुछ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।